विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ट्री गार्ड की ईंटे ले जाने के मामले में डीएफओ ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। संभल जनपद के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर वन विभाग के द्वारा बनाई गई ट्री गार्ड की ईंटों को विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली से संभल की तरफ ले जाते हुए कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। अब इस पूरे मामले पर वन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग में तैनात वन दरोगा सहित तीन विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि हाईवे किनारे बने ट्री गार्ड से ईंटें ले जाने के लिए किसी तरह की कोई भी विभागीय परमिशन नहीं ली गई थी। इस पूरे मामले पर विभागीय अधिकारियों ट्री गार्ड की ईंटों को भरवा कर संभल की तरफ भिजवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सर, आज ईंटों का एक मामला सामने आया है, मुरादाबाद रोड से ईंटें भरी जा रही थी वन विभाग की और संभल रोड जा रही थी, क्या कहेंगे? तो जैसे भुलावई के पास से ईंटें भरी गई तो संभल होके जाना उचित है या फिर भुलावई भाई तो पहुंच चुकी दूर चक्कर है? ये कहाँ से भरी गई? ये पुल के नीचे से बाइक पर आ रहा है, पुल के पलटर को जाते स्कूल ये ला कॉलेज के सामने। फिर रास्ता किधर को निकलना चाहिए था? अब ये रास्ता देख के ला रहे हो, बाइक लेके आता है ज्यादा। कौन सा रास्ता था ये हमने जो रुकवाई है नरौली चौकी पर रुकवाई है? जनरेटर खाना खाने के नहीं रुका था बताया ड्राइवर, तो जनरेटर तो पीछे रह गया था। संभल क्यों जा रही थी? संभल कोई नहीं, संभल नहीं जा रही थी। क्या कहेंगे इस विषय में? अमरपुर का जाऊंगी, मैं जा रही थी। आपने रिकॉर्डिंग में जो हमने कॉल पे भी आपसे बात की तब भी आपने यही कहा था अमरपुर का जाऊंगी और कहीं जिले में काम नहीं चल रहा? अमरपुर का चल गया, अमरपुर काशी। तो संभल जाने का क्या मतलब है, इनका संभल की तरफ क्यों जा रही थी? संभल जब जाते तो कहते तो अमरपुर गई पहुंची, कहाँ संभल अमरपुर जानी है हमारे कहने को। ये कौन कौन लोग थे जो भर रहे थे? लेकर एक मामला सामने आया है 23 तारीख को और वो चौकी नरौली पर पकड़वाई गई थी, लेकिन आपके जो बंद दरोगा जी हैं सक्सेना जी, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। सर, क्या कहेंगे? ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, आप लोगों के द्वारा ये सूचना हमको प्राप्त हुई है। इसके संबंध में हमने जो है जो चंदौसी के जो रेंजर हैं उनसे हमने मामला स्पष्टीकरण और जैसे ही उनका जो जवाब आता है उसी के आधार पर उनकी कार्रवाई की जाएगी और पूरे प्रकार की जाँच की जाएगी। जिस तरह सर ट्री गार्ड की ईंटें ले जाई जा सकती तो क्या विभागीय कोई उन्होंने अनुमति ली थी आपसे या और? ये तो उनके जवाब के बाद पता चले कि उन्होंने या हमसे लिया था या हमारे अधीनस्थ किसी से मांगा था उन्होंने। जनरली ये होता है कि जब ट्री गार्ड जब पेड़ जब वो मजबूत हो जाते हैं खड़े हो जाते हैं तो ट्री गार्ड कर सकते हैं, दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका वहाँ से हटाने का मंशा क्या था ये तो जाँच के बाद ही पता चलता है। सर, उन्होंने बताया था कि अमरपुर काशी में जा रही हैं लेकिन वो संभल रोड पर पकड़ी गई थी चनेटा से आगे नरौली। ये पूरे प्रोग्राम की जांच की जा रही है, वो तो हमें आपका आपसे भी सूचना मिली, हमें उसको भी नोट कर लिया और उनका स्पष्टीकरण क्या आता है इस दोनों को हम जांच के माध्यम से सुलझाएंगे कि क्या है।